नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे लावा का स्मार्टफोन की, जो कि लावा ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना नया स्मार्टफोन लावा Z93। आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पर। तो सबसे पहले बात करें इसकी कीमत की, तो लगभग 8,000 रुपये तक की कीमत में आपको यह मोबाइल मिल जाएगा। इसमें आपको 3GB की रैम दी गई है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको ड्यूल कैमरा इसमें मिल जाते हैं 13+2 मेगापिक्सल के, और सेल्फी कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। बात की जाए बैटरी की, तो आपको इसमें मात्र 3500mAh की बैटरी दी गई है। बाकी नजर डालते हैं और क्या क्या खास हमें इस मोबाइल में दिया गया है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जल्दी से करते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो ये है हमारा लावा Z93 स्मार्टफोन, जो आता है कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। तो मोबाइल के बॉक्स में भी आपको ड्रॉप नॉच मिलती है और मोबाइल में भी ड्रॉप नॉच मिलती है। ऊपर देख सकते हैं 32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल रहा है। राइट साइड में #proudlyindian लिखा गया है, बड़ी खुशी की बात है, अपने इंडिया की कंपनी है, काफी अच्छा काम कर रही है। अब नजर डालते हैं बैक साइड हेडलाइन फीचर्स में। तो चिपसेट हमें इसमें MediaTek Helio P22 का मिलता है, प्रोसेसर 2GHz का ऑक्टा कोर दिया गया है, विद स्मार्ट गेमिंग मोड भी आपको इसमें मिल जाता है। रियर में 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, 6.22 इंच की HD+ डिस्प्ले विद 2.5D कर्व ग्लास के साथ। बाकी 3GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 256GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। 3500mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, ली पॉलीमर बैटरी विद AI टेक्नोलॉजी के साथ। तो बैटरी को थोड़ा इसमें AI टेक्नोलॉजी मिलती है, तो बैटरी थोड़ा बहुत लंबा चल जाती है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं ओपन और नजर डालते हैं हमें कैसा मिलता है मोबाइल। मोबाइल बॉक्स हमने कर दिया है ओपन, सबसे ऊपर हमें मोबाइल फोन मिलता है। फिलहाल इसे हम साइड में रख लेते हैं और अंदर देखते हैं। यहाँ पर हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर हमें मिलता है कवर दिया गया है, कमाल की बात है, फोन का सुरक्षा कवच आपको इसमें मिल जाता है। तो ये देखिए, एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर आपको इसमें मिल जाता है, मोबाइल की सुरक्षा के लिए अच्छी बात है, कवर दिया गया है। इसके बाद एक USB केबल आपको इसमें दी गई है, तो USB केबल देख लेते हैं। तो नॉर्मल आपको इसमें USB केबल मिलती है, बाकी आपको इसमें मिल जाती है सिम इजेक्टर पिन और साथ में चार्जर अडैप्टर, जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो हमें इसमें 5V 2000mAh का चार्जर, यानी कि 5V 2A का चार्जर हमें इसमें मिल जाता है। 10W का चार्जर दिया गया है, तो 2A का चार्जर हमें 3500mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए मिल जाता है। बाकी बॉक्स हमारा हो गया एम्प्टी, इसमें आपको हेडफोन भी नहीं दिया गया है। और अब नजर डालते हैं स्मार्टफोन पर। तो ये है हमारा लावा Z93 स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कमाल का डिजाइन है। बैक साइड देखें तो काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 SIM कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं एक साथ, तो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं। और आप देखिए, यहाँ पर आपको कमाल की फिनिशिंग मिल जाती है मोबाइल में। राइट साइड में आपको पावर ऑन की और वॉल्यूम की एक साथ दी गई है, ऊपर की साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे दी गई है और बॉटम में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक एक साथ मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पर आपको बैक साइड में इधर को दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर। और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। रियर में आपको ड्यूल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। पावर कर लेते हैं इसकी ऑन और देखते हैं हमें कैसी डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। मोबाइल की पावर को हमने कर दिया है ऑन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस हमें मोबाइल में देखने को मिलता है। कुछ ऐप आपको प्री इंस्टॉल दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप नॉच कुछ ऐसी हमें इसमें मिलती है, यहाँ पर आपको थोड़े बेजल देखने को मिल जाते हैं, ऊपर की साइड आप देख सकते हैं। और इसकी तुलना हम यहाँ पर लावा Z92 से करें, तो हमारे पास लावा Z92 स्मार्टफोन भी है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिया गया है। आइकन दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं, डिस्प्ले साइज भी एक जैसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉच डिस्प्ले के साथ हमारा लावा Z92 आया था और ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ हमारा लावा Z93
आया है। बाकी नजर डालते हैं इसकी सेटिंग में, तो यहाँ पर हम सेटिंग में चले जाते हैं, सिस्टम में चले जाते हैं। सिस्टम में एडवांस दिया गया है, एडवांस में अबाउट फोन दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवाइस नेम लावा Z93 दिया गया है। फोन नंबर अभी यहाँ पर हमने सिम नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पर IMEI की जानकारी आपको इसमें दी गई है। 3GB रैम है, 32GB का स्टोरेज दिया गया है, CPU 2GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन हमें 9Pie इसमें दिया गया है, StarOS वर्जन 5.1 का हमें इसमें मिलता है। बाकी बैक जाएं तो यहाँ पर हमें सिस्टम अपडेट भी दिया गया है, अभी हमारा 9Pie में चल रहा है। सिक्योरिटी पैच लेवल 5 मई 2019 का हमें इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हैं, टाइम और डेट सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर हमने सेट कर दिया है यहाँ पर, ये फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए दिया गया है। तो हम देख लेते हैं, अभी हमारा डिवाइस लॉक है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर हम फिंगर टच करते हैं तो बिल्कुल हमारा डिवाइस टच करते ही अनलॉक हो जाता है। हालाँकि थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। बाकी इसमें सेट करते हैं हम फेस अनलॉक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फेस के लिए, यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, लॉक हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एंटर द फेस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फेस के आगे करते हैं, तो ये हमारा फेस रीड कर रहा है, इसने कर लिया है। तो यहाँ पर हम फ़ोन को लॉक कर देते हैं, सारी फिंगर्स आगे कर लेते हैं, अभी हमारा डिवाइस लॉक है, और हम फेस के आगे करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, फेस अनलॉक देख सकते हैं आप। वहीं आप नज़र डालते हैं इसके कैमरा पर, तो देखते हैं यहाँ पर हमें कैमरा क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। तो ये हमने इसका कैमरा कर दिया है ऑन, तो कैमरा में आपको प्रोफेशनल मोड, वीडियो मोड, पोर्ट्रेट मोड और AR स्टिकर्स आपको इसमें दिए गए हैं। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं, तो स्पीड थोड़ा स्लो है, शटर की स्पीड आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम ले रही है। तो हमने यहाँ पर गैलरी से देखते हैं, तो यहाँ पर हम अलो कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी मिल जाती है। जूम करके देख लेते हैं, और सेल्फी कैमरा देखें तो 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी कैमरा मिलता है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी सेल्फी आपको इससे मिल जाएगी। एक सेल्फी आपको लेके दिखा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर कमाल की सेल्फी आपको इससे मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है सेल्फी कैमरा। बाकी कुछ पिक्चर्स मैंने आउटडोर में ली है, आपको दिखा देते हैं। ये है पोर्ट्रेट मोड में ली गई सेल्फी, आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है, ये भी पोर्ट्रेट मोड में ली गई है, और ये नॉर्मल मोड में ली गई सेल्फी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। ये मैंने फुल जूम करके ली है पिक्चर, तो थोड़ा फट रही है, काफ़ी जूम करने पर आपको अच्छी इमेज नहीं मिलेगी इसमें। और ये है रियर कैमरा से ली गई, काफ़ी कमाल की पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है इससे, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जूम भी कर दिया हमने, तो काफ़ी अच्छी इमेज हमें देखने को मिल जाती है रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मोबाइल कैसा लगा, 8000 रुपये तक की कीमत में आपको सही लगा या गलत लगा, आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं क्या क्या अच्छाइयाँ हैं मोबाइल में। और यहाँ पर लावा Z92 से तुलना करें तो लगभग एक जैसा डिज़ाइन है दोनों मोबाइल का, आप देख सकते हैं बैक साइड का लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पर सिंगल कैमरा मिलता था हमें यहाँ पर लावा Z92 में, तो यहाँ पर ड्यूल कैमरा मिल रहा है, और फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमें मिलता है। तो यहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।